ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು. ಆತ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಪಳಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡೆ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೋ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್. सर इस तमाम सवालात से थोड़ा हट के सवाल पूछूंगा सर. यकीनन पूरे मुल्क की सियासत धर्म और मज़हब के खिलाफ इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है. आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद से लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर खड़ा नज़र आ रहा है. लेकिन कहीं तो भी अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आपकी पार्टी की तरफ से और ख़ासकर आपने जो टीपू सुल्तान के बारे में बताया, एक तरफ आप वीर सावरकर की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते, क्या ज़रूरत है सर ऐसे स्टेटमेंट? हैसियत है हजरत टीपू सुल्तान की कटघरे में खड़ा करने की, नंबर वन. नंबर टू, जो वीडियो बनी थी उसमें काट कूट चल रही है. दूसरी बात, मैंने ये भी कहा कि उनके बारे में ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि वो हिंदू विरोधी है, लेकिन उसी वीडियो में आप देखिए मैंने ये भी कहा कि उन्होंने श्रृंगेरी का मंदिर का निर्माण किया और श्रीरंगपटना का दर्शन किया, वो दिखा. लेकिन कट गया क्या? दीवान पूर्णया उनके दीवान थे और उन्होंने मजनूपुर का जो देउल है उसका भी उन्होंने किया, ये दोनों कट गया. मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरी पिछले 33 साल की नौकरी को देखिए, कहाँ कहाँ मैंने फिरका परिस्थिति ताकतों के साथ में जंग किया है. और अगर आप ऐसी कटे जुड़े टूटे वीडियो पर आपको भरोसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको? माइनॉरिटी उम्मीद से देख रहे सर आम आदमी पार्टी तो हम उनके उम्मीदों के खिलाफ कभी तो गए नहीं ना जी. बेंगलोर में भी कल मैं हजरत तवक्कल शाह दरगाह जाके आया और वहाँ जाके मैंने चादर चढ़ाई और जितना मैं करीब हूँ इंसानियत के तौर पर, मजहब के तौर पर नहीं. जब मैं पुलिस कमिश्नर था तो मेरे और लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं हमेशा चर्च जाया करता हूँ. चर्च जाना गलत है क्या? मस्जिद जाना गलत है क्या? मंदिर जाना गलत है क्या? सचमुच में मेरी परवरिश सभी मजहबों के साथ हुई है. सो ऐसे गलत सलत फिरका परिस्थिति अंदाज अगर लोगों के बीच में डालना शुरू करें जज्बाती होकर, ये नुकसान कुछ लोगों का है जो कि बाहर तक जा सकते हैं. ठीक है, समझ में ही था. और बेंगलोर में भी मेरी नौकरी के दौरान जो मैंने सबके लिए किया, केवल मुस्लिम ही नहीं ज़्यादातर तो मुसलमानों के लिए, 90 से रेट हो या 35 साल पहले मैं ही बेलगाम आया था 1991 में जब बाबरी मस्जिद में, उस समय भी सबका रखवाला अच्छी तरह से मुस्लिम. तो इसको यही इसको ख़त्म कीजिए, इसके बारे में इसको आगे चर्चा करने की जरूरत है. थैंक यू. मैं तो हमेशा पहले से कहते आया हूँ और फिरका परस्ती बातों से लड़ते आया हूँ, जंग करते आया हूँ. एक बात, दूसरी बात, जहाँ रही आपने जो मुद्दा उठाया हजरत टीपू सुल्तान का, मैं बहुत कदर करता हूँ. मैं मैसूर में भी पुलिस कमिश्नर रह चुका हूँ और जो भी आप उस टीवी चैनल में देखें पूरी तरह से नहीं देखें. मैंने ये बताया कि लोग ऐसे जो भी कहा करते हैं, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान श्रृंगेरी का देवल बनवाया, श्रीरंगपटना का देवल बनाया, नंजनगुड़ का देवल बनवाया, उनके दीवान पूर्णया जी थे और उनको जहाँ लगा कि ये सब हमारे साथ में, उनको अपना साथ निभाया. इसलिए ये टूटे हुए जोड़े हुए कटे हुए वीडियो पर आप यकीन मत कीजिए. पिछले 33 साल से मैं जहाँ भी पुलिस की नौकरी किया हूँ, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ खून खराबा हुआ या किसी का एक बूंद खून गिरा है. और मैंने सभी कम्युनली सेंसिटिव जगह में काम किया हूँ. दावणगेरे में काम किया हूँ, शिमोगा में काम किया हूँ, दिल्ली दरबार में काम किया हूँ, बेलगाम में काम किया हूँ, कुर्ग में काम किया हूँ और बेंगलोर सिटी में, खास करके ACA NRC के दौरान
जब सारे मुल्क में इस मुद्दे को लेके हंगामा हुआ, उस समय सभी लोगों को मैं कॉन्फिडेंस में लेके, खास करके मेजॉरिटी में कॉन्फिडेंस में लेके, इनके नौजवान हो, हजरत हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, सो ऐसी फिरका परस्ती बातों पर आप यकीन मत कीजिए, मेरे साथ रहिए। मेरी यही कामना है कि आम मुसलमान को अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत मिले और आने वाले दिन में सभी लोगों को, खास करके मुसलमानों को, अच्छे मौके मिले अपनी बढ़ोतरी के लिए, मतलब प्रोग्रेस के लिए। सो ये जो आपने ये देखा है उस पर आप की मत कीजिए। 30 साल की नौकरी पे को देखिए और जिस तरह से मैं आपकी कम्युनिटी के साथ में जिस तरह से मैं घुला मिला हूँ, ये कोई सियासती रिश्ता नहीं है, पहले से दिल का रिश्ता था। नहीं, मैं 33 साल पहले ये सोच के आया था कि भाई मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, मुसलमानों को अपनी तरफ रखनी चाहिए करके, ये अपने आप आ गया, ये सिलसिला अपने आप आ गया। सो इसलिए इसको, इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए और आगे के दिन अच्छी तरह से हम लोग प्रोग्रेस करके इसके बारे में सोचते हैं। थैंक यू।